दोस्तों नमस्कार। आज की इस नए वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अमेजोन पे में बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है और इसके साथ साथ आप UPI भी यूज कर सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस आपको बताता हूं किस तरह से आप अमेजोन पे में बैंक अकाउंट को लिंक करेंगे। तो सबसे पहले अमेजोन एप्लीकेशन नहीं है तो आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। तो इंस्टॉल करने के बाद ये प्रोसेस को आप कर पाएंगे। अगर है आपके फ़ोन में तो आप यहाँ पर ओपन कर लीजिए अमेजोन पे, और ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आपका अकाउंट जो है बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे आप इंग्लिश सेलेक्ट करके आप अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आप यहाँ पे जो है क्रिएट अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो साइन इन करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे, मेरा पहले से बना हुआ है तो यहाँ पे साइन इन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप साइन इन कर लेंगे तो यहाँ पे होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको 3 लाइन पे ऊपर में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नीचे में देखिए एक अमेजोन पे का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको इंटरफेस मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अमेजोन पे UPI है तो गेट स्टार्टेड पे आप क्लिक करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए लिंक योर बैंक अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपके सामने में देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा कौन से बैंक का अकाउंट है, तो उस बैंक को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरा है पेटीएम पेमेंट बैंक, तो यहाँ पे चलिए हम खोज लेते हैं पेटीएम पेमेंट बैंक। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बैंक भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे परमिशन दे देंगे। और यहाँ पे कौन सा सिम आपका यहाँ पे बैंक के साथ लिंक है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसीड वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद आपका वेरिफिकेशन योर मोबाइल नंबर होगा, तो आपके मोबाइल नंबर को वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपका 5 सेकेंड का वक्त लग सकता है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे 2 ग्रीन टिक हो जाएगा तो यहाँ पे आपको कहा जाएगा कि आपका जो है वेरिफिकेशन हो चुका है। यहाँ पे आप डेबिट कार्ड का जो है लास्ट का 6 डिजिट यहाँ पे इंटर करेंगे, और मंथ जो है एक्सपायरी यहाँ पे इंटर करेंगे, उसके बाद ईयर जो है आप एक्सपायरी इंटर करेंगे। तो ऐसा करने के बाद सेट योर UPI पिन पे क्लिक करेंगे, वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपका UPI पिन सेट नहीं होगा तो यहाँ पे पेटीएम पे क्लिक करके आप जो है सेट UPI पिन भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पेटीएम पे क्लिक करके सेट UPI पिन करेंगे। तो यहाँ पे वही प्रोसेस आपको इंटर करना है, लास्ट का 6 डिजिट डेबिट कार्ड का, और यहाँ पे मंथ एक्सपायरी जो होता है और ईयर जो एक्सपायरी होता है, ये डालने के बाद यहाँ पे देखिए सेट योर UPI पिन पे आप क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपका जो है प्रोसेसिंग होने के बाद आपका जो भी इंटर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे सेट करेंगे अपना UPI पिन, उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए दोबारा यहाँ पे वही UPI पिन देंगे, राइट वाले निशान पे क्लिक करेंगे। और ऐसा करने के बाद यहाँ पे आपका UPI पिन सेट सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो पेटीएम के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आप UPI पिन इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपका यहाँ पे बैलेंस दिखा दिया जाएगा कितना है। तो यहाँ पे मेरा 100 रुपया है, तो यहाँ पे इस तरह से बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो सेंड मनी पे आप क्लिक करेंगे, और सेंड मनी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया जाता है। स्कैन करके भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI के द्वारा भी कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर के द्वारा भी आप कर सकते हैं, और बैंक अकाउंट यानी कि खाते के द्वारा भी आप कर सकते हैं FSC कोड इंटर करके। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप जो है अमेजोन पे जो है अपना बैंक अकाउंट को लिंक करके मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, और यहीं से जो आप शॉपिंग करेंगे UPI के माध्यम से भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से अमेजोन पे बैंक अकाउंट लिंक हो जाएगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहेगा। धन्यवाद।